हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा रिवर्स डीसीएफ के बारे में, और साथ साथ में आपको पाइपिंग इंडस्ट्री के बारे में मालूमात पड़ेगा कि अगर आप आने वाले टाइम में जो बिल्डिंग मटेरियल्स में काफी ग्रोथ होने वाला है तो उसमें से हमने फिलहाल पाइपिंग फिटिंग इंडस्ट्री को कंसिडर किया है। और यहाँ पे मैं टॉप 4 कंपनीज के बारे में, या टोटल 5 कंपनीज से बैठे, तो फिलहाल मैं 4 कंपनीज के बारे में जो Q3 रिसेंट अर्निंग आया है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में और ऊपर जा सकते हैं, मल्टी मेगर बन सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें से कुछ बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी कंपाउंडर बन चुके हैं, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा मोर देन 30,000% रिटर्न भी दिया जब से वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई है, राइट। तो यहाँ पे हम बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे फिलहाल इस कंपनी का कैसा है, और आने वाला जो आउटलुक है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में किस तरह से रहने वाला है। अगर आप ये स्टॉक्स होल्ड करते हो, या मोर इम्पोर्टेंट अगर बिजनेस होल्ड करते हो, तो आपको समझना है कि अगर बिजनेस बेहतर है तो ही वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, और रादर देन उसके बाद अभी जो भी मार्केट कोलैप्स अभी फिलहाल जो हुआ है तो वो बिजनेसेस बिल्कुल ऊपर ऊपर नहीं आएंगे जिनके लोगों ने सिर्फ और स्टॉक प्राइस को देख करके बाई किए, ना कि बिजनेस को देख करके। आप बिजनेस को पकड़ के चलो, ऑटोमेटिकली आपका वेल्थ क्रिएट होगा। स्टॉक प्राइस को पकड़ के चलोगे तो आपका पैसा कभी नहीं बनेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर के चलता हूँ और हम उसके बारे में और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड पाइप एंड फिटिंग इंडस्ट्री। पाइप इंडस्ट्री एंड उसका जो Q3 अर्निंग एनालिसिस अभी करने वाले हैं उसके ऊपर हम रिवर्स डीसीएफ लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो स्टॉक अभी के टाइम पे ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस, राइट। और फिलहाल उसका अर्निंग किस तरह से होना चाहिए आने वाले टाइम में, अगर उसका जो स्टॉक प्राइस अभी के टाइम पे ट्रेड हो रहा है या आने वाले टाइम में हो सकता है। यहाँ पे पाइपिंग इंडस्ट्री के बारे में जो मैंने जो सोर्स है यहाँ से इक्विरेस रिसर्च करके वहां से मैंने लिया है फिलहाल, राइट। लेट्स बैक टू टॉपिक। यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन अगर हम देखें अमाउंट ग्लोबली अगर देखें तो अराउंड इंडिया का अगर देखें अभी के टाइम पे अराउंड 20 के आसपास, ये 2.5 kg के आसपास कुछ तो चल रहा है। और पाइप और प्लास्टिक कंजम्पशन में अगर पाइप की अगर बात करूं वहां पे आई थिंक 11 kg के आसपास है, वहीं पे जो ग्लोबल एवरेज है पाइपिंग की इंडस्ट्री में काफी हाइयर है। तो प्लास्टिक कंजम्पशन इंडिया में अभी के टाइम पे काफी कम है एज कम्पेयर टू जो अदर बिग डेवलप्ड नेशन है यूएसए और चाइना की बात करें। इंडिया में पाइपिंग और फिटिंग इंडस्ट्री अगर देखें लार्जेस्ट एंड कंज्यूमर मार्केट फॉर पीवीसी इन इंडिया देखें तो मतलब इस पीवीसी या पाइपिंग और फिटिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक या पीवीसी कंज्यूम करते हैं उसमें से टाइप्स ऑफ अलग अलग रहते हैं, तो यहाँ पे पाइप और फिटिंग में सबसे ज्यादा आपका प्लास्टिक तरह के लिए कंज्यूम किया जाता है 73% के आसपास। बाकी का जो प्लास्टिक प्रोफाइल्स में, फिल्म शीट में, वायर्स और केबल्स में और कैलेंडरिंग शीट के अंदर में जाता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर विजिबिलिटी मिलता है कि आने वाले टाइम में जो पाइपिंग का डिमांड है वो शायद और इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा होते हैं तो ये दिखने में काफी बेहतर लगते हैं। इसके लिए हमको बिजनेस को समझना जरूरत है। जस्ट फॉर ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे आपको इंडस्ट्री किस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पाइप का जो ग्रोथ है आने वाले 2021 से लेकर 2025 के बीच में अराउंड 11 to 12% CAGR के आसपास से ग्रो होने वाला है, और अभी का जो फिलहाल जो मार्केट है अगर हम देखें तो अराउंड ये 360 बिलियन रुपीज के आसपास ही, या 420 बिलियन रुपीज के आसपास फिलहाल का मार्केट है। 420 बिलियन रुपीज के आसपास का मार्केट फिलहाल चल रहा है। उसमें से जो टॉप 5 कंपनीज है उनके पास ऑलमोस्ट जो उनका मार्केट शेयर 22% के आसपास था 2012 में, अभी के टाइम पे उनका मार्केट शेयर 37% के आसपास पहुंच चुका है। मतलब टॉप 5 कंपनी जो है उसमें एस्ट्रल है, प्रिंस पाइप है, आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद पाइप्स है, आपका अपोलो पाइप्स है, सुप्रीम इंडस्ट्री है, आपका फिनोलेक्स इंडस्ट्री, तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका मार्केट शेयर मतलब ओवरऑल मिला करके जो ऑर्गेनाइज प्लेयर की बात करें 37% के आसपास पहुंच चुका है 2021 में, जो एक टाइम पे 22% के आसपास हुआ करता था, राइट। यहाँ पे अगर हम डिमांड सेगमेंट देखें पाइपिंग इंडस्ट्री के अंदर में तो सबसे ज्यादा जो डिमांड अभी के टाइम पे जो अभी के टाइम पे ग्रो हो रहा है जहां से बिजनेस भी लोग ज्यादा जनरेट करें, एक आपका इरिगेशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें वहां पे 45% कंज्यूम किया जाता है। बाकी प्लम्बिंग में, प्लम्बिंग फिटिंग या को रियल स्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा सरकार का पुश है, तो उसके हिसाब से अभी के टाइम पे प्लम्बिंग फिटिंग के अंदर में ज्यादा ग्रोथ आ रहा है। तो यहाँ पे 38% के आसपास यहाँ पे कंज्यूम होता है आपका पीवीसी पाइप, और बाकी का 12% सीवेज या और बाकी अदर्स 5% में जाता है। इसमें से भी जो न्यू डिमांड है अराउंड 65% के आसपास न्यू डिमांड क्रिएट हो रहा है, वहीं पे जो आपका रिप्लेसमेंट डिमांड है 35% के आसपास, मतलब वो पाइप्स
जो नया अभी नया बहुत सारे रियल एस्टेट या फिर आपका रियल एस्टेट सेक्टर में फिलहाल बूम चल रहा है, आपने सुना रहेगा कि जो लास्ट 10 साल का ब्रेकआउट होने वाला है, इंटरेस्ट रेट लोअर है, लोग ज्यादा ज्यादा होम परचेस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया या जल से नल योजना हो गया, तो डायरेक्टली एक तरह से पाइपिंग या बिल्डिंग मटेरियल्स जो भी कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं वहां पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये चीज हमको नोटिस करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं देखूँ तो अनऑर्गेनाइज प्लेयर डोमिनेट यूपीवीसी सेगमेंट, सीपीवीसी मेजरली ऑर्गेनाइज। जो यूपीवीसी टाइप्स ऑफ पाइप अलग अलग होते हैं, एक आपका अनप्लास्टराइज पीवीसी होता है, एक सीपीवीसी होता है, एक एचडीपीई होता है और एक पीपीआर करके होता है। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं, सबके अलग अलग मैकेनिकल स्ट्रेंथ होते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, किसी का स्ट्रेंथ बेहतर होता है, किसी का इलास्टिसिटी बेहतर होता है, किसी का ड्यूरेबिलिटी काफी बेहतर होता है, राइट। तो अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा डिमांड अभी चल रहा है तो सीपीवीसी का चल रहा है, राइट, और उसका एक ग्रोथ तेजी से देखने को मिल रहा है। सो टोटल प्लास्टिक पाइप की अगर देखें तो 100%, जिसके अंदर में जो प्लास्टिक पाइप नॉर्मल उसमें देखें तो उसमें से सिर्फ 65% के आसपास, 60% के आसपास ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास है। या पीवीसी या सीपीवीसी यूपीवीसी पाइप्स की अगर बात करें, जिसमें यूपीवीसी अभी के टाइम पे सिर्फ अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास ज्यादा है, राइट। वहीं पे सीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप की बात करें जो क्लोरीन बेस्ड है एक तरह से, उसमें पूरा का पूरा एक तरह से जो मार्केट लीडर्स हैं उनके पास ही पूरा का पूरा मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास, राइट। और यहीं से ग्रोथ दिखने मिलने वाला, सीपीवीसी पाइप का डिमांड थोड़ा सा कंटिन्यूअसली ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो यूपीवीसी में भी जो फिलहाल के टाइम पे प्रिंस पाइप का हो ये उन्होंने भी एंटर किया है। यहाँ पे टॉप 5 प्लेयर्स जिनका जो ओवरऑल ग्रोथ अगर हम देखें तो अराउंड ऑलमोस्ट देखे तो 10%, 11%, 12% के आसपास ग्रो हो रहा है यहाँ पे टॉप 5 प्लेयर्स। वहीं पे आपका इंडस्ट्री एवरेज अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास चल रहा है, बाकी बाकी मतलब जो 5 प्लेयर है वो ऑलमोस्ट आपके अच्छे ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहे हैं एज कम्पेयर टू जो इंडस्ट्री एवरेज है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें न्यू डिमांड जनरेशन जहां से जो जनरेट होने वाला है, मेरे ख्याल से वो आपका जो अभी के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा पुश है तो वहां से भी आने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखें फिटिंग जनरेट हाईएस्ट मार्जिन फॉलोड बाय सीपीवीसी प्लम्बिंग, पीवीसी हैज द लोएस्ट मार्जिन। सो यहाँ पे जो सीपीवीसी का जो मार्जिन है बिजनेस का वो काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू आप पीवीसी। सो पीवीसी एक तरह के लिए आप ट्रीट कर सकते हैं कि नॉर्मल प्लास्टिक पाइप है, उसको थोड़ा सा क्लोरिनेटेड करके उसको सीपीवीसी पाइप बना दिया गया जो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, ड्यूरेबिलिटी अच्छा है, करोजिव रेजिस्टेंस है, ऑल्दो ये सब प्लास्टिक मटेरियल्स ही है, लेकिन जो ओवरऑल उनका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है वो काफी बेहतर होता है एज कम्पेयर टू पीवीसी पाइप का नॉर्मल से। तो यहाँ पे फिटिंग में अगर देखें तो फिटिंग जनरेट हाईएस्ट मार्जिन जो फिलहाल के टाइम पे फिटिंग पाइप्स की अगर बात करें 19-20% के आसपास, सीपीवीसी अराउंड 16-18% के आसपास, पीवीसी या जो प्लम्बिंग में यूज किया जाता है आपका वो 12-13% के आसपास, बाकी जो है पीवीसी एग्री और ये सब में जो मार्जिन है काफी कम है, मतलब ये सब एक बल्क प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू आपका सीपीवीसी। ऑल्दो जो पाइप्स बिजनेस है बल्क और वॉल्यूम में ज्यादा दिखाई देते हैं लेकिन उनका जो वैल्यू होता है काफी कम होता है, राइट। लेकिन फिर भी उस सेगमेंट के अंदर में सीपीवीसी का जो मार्जिन होता है वो काफी हाईर एज कम्पेयर टू आपका पीवीसी मार्जिन से, राइट। ये चीज हमको कंसिडर करना है। सो आने वाले टाइम में क्यों डिमांड इंक्रीज हो सकता है और क्या अभी के टाइम पे जो फैक्टर है इस सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल फ्रॉम 65-70% ऑफ द प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री सेल्स एंड देयर प्राइस आर डायरेक्टली लिंक्ड टू क्रूड ऑयल। सो अभी के टाइम पे जो क्रूड ऑयल प्राइस है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, उससे डायरेक्टली क्या होता है जो रॉ मटेरियल प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो पीवीसी या सीपीवीसी का जो मार्जिन है वो काफी डिक्लाइन होता है, तो उसकी वजह से कंपनी का जो नंबर है अभी के टाइम पे काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है टेम्पररी और कंटिन्यूसली अभी फिलहाल चेंज हो रहा है। और मे बी अभी चेंज इन द ग्लोबल डिमांड सप्लाई एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन, और अभी के टाइम पे फिलहाल बीच में आपका जो पीवीसी का जो पॉलीमर का जो प्राइस था वो भी काफी ऊपर चले गया था, 130 के ऊपर चले गया था ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से जो डी स्टॉकिंग जो डीलर साइड से वो काफी ज्यादा हो रहा था। उसके बाद लाइसेंसिंग अवेयरनेस अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक पाइप्स, बीआईएस स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी फिलहाल फोकस कर रहे हैं, तो रेसिडेंशियल कंज्यूमर की बात करें तो यूपीवीसी और सीपीवीसी रेसिडेंशियल प्लेस में आता है। फार्मर्स यूपीवीसी आर इंक्रीजिंगली ऑप्टिंग फॉर बेटर क्वालिटी पाइप टू मिनिमाइज देयर प्रॉब्लम। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि आप मतलब जमीन के नीचे से आपको पाइप लेकर के जाना है तो उसका जो ड्यूरेबिलिटी काफी बेहतर होना चाहिए, तो उसके लिए वो नॉर्मल जो पीवीसी पाइप होते हैं उसको भी फिलहाल के लिए अवॉइड करें सो दैट उनका जो लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, तो इसके लिए वो भी यूपीवीसी की तरफ फोकस कर रहे हैं। उसके बाद सीपीवीसी पाइप्स अकाउंट 15-16% ऑफ द प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री एंड विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। सो अभी के टाइम पे जो भी प्लेयर सीपीवीसी में डील कर रहे हैं वहां पे तेजी से ग्रोथ आने वाला 20% सीएजीआर के आसपास एज कंपेयर टू
टू जो प्लेयर सिर्फ पीवीसी के अंदर डील कर रहे, तो हमको भी स्पेसिफिक कंपनीज को चुनना पड़ेगा, क्योंकि जो बजट अभी डिफाइन किया 480 बिलियन रुपीज के आसपास है, बिंग अलॉटेड टू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अंडर प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम, एंड ऑलमोस्ट 600 बिलियन रुपीज के आसपास जो एलोकेटेड टू 38 मिलियन हाउसहोल्ड टू टैप वाटर, तो उसके लिए भी सरकार ने अराउंड 600 बिलियन रुपीज के आसपास एलोकेट किया कि हर घर नल से जल, राइट, ये स्कीम लेकर गया। तो बहुत सारी स्कीम ऑलरेडी चल रहे हैं, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सपांशन ऑफ नेशनल हाईवे, ऑल ऑफ विच अगस्त विल बी द पाइप एंड द फिटिंग इंडस्ट्री ग्रो। सो अभी के टाइम पे आपका हाईवे, नेशनल प्रोजेक्ट, ये सब कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं, तो पाइपिंग सेक्टर वुड बी द वन ऑफ द गुड सेगमेंट इन बिल्डिंग मटेरियल दैट इज लाइकली टू ग्रो, राइट। सो वहां पे आपको फोकस रखना। तो यहां से हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया कि फिलहाल पाइपिंग इंडस्ट्री में कौन से मटेरियल में ग्रोथ आने वाला, तो आपको यहाँ से क्या इनपुट लेकर के आना है कि आने वाले टाइम में सिर्फ सीपीवीसी में थोड़ा सा तेजी से ग्रोथ आने वाला है, नेक्स्ट 3 टू 4 ईयर्स में 20% सीएजीआर के आसपास हो सकता है। दूसरा आपको देखना है, ये काफी ज्यादा क्रूड लिंक्ड प्राइस से काफी ज्यादा एक तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि वहीं से आप डिराइव करते हैं जो पॉलीइथिलीन होता है, पॉली ये सब जो प्रोडक्ट होता है उससे ही आपका पाइप बनाया जाता है, राइट। तो यहाँ से आपको क्लियर आइडिया मिलता है। तीसरा कि किस स्कीम की वजह से यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स में ग्रोथ आने वाला है, आपका होम लोन रेट कम है, जिसके वजह से हाउसिंग सेगमेंट में भी काफी ज्यादा, भी रियल स्टेट सेक्टर में भी काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है आपका सीपीवीसी और यूपीवीसी, तो ये आपको फोकस करना है, राइट। तो यहाँ से ये की पॉइंट्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट बिजनेस जो उनका Q3 अर्निंग्स आया है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। So, फिलहाल यहाँ पे एस्टल पॉलिटेक्निक का मैं बात कर रहा हूँ, जो एक टाइम के लिए कहूँ तो कंपाउंडर है। जब ये 2007 में सात के आसपास इसका स्टॉक प्राइस अराउंड 1.80 रुपए का था, और आज ये कहाँ से कहाँ 2500 तक, अभी तो 1900 के आसपास चल रहा था, ऑलमोस्ट 30,000% के ऊपर रिटर्न स्टॉक ने दिया है, राइट। इट टोटली डिपेंड ऑन बिजनेस। सो क्वार्टरली अर्निंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज अराउंड 22.44% से ग्रोथ हुआ है, अभी रेवेन्यू ऑपरेशन की बात करूं। और इनका जो इबिट्टा है, इबिट्टा की बात करें तो यहाँ पे इबिट्टा मार्जिन अभी के टाइम पे थोड़ा सा डाउन हुआ है, ऑल्दो ये कंपनी का जो ओवरऑल जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन इबिट्टा थोड़ा सा यहाँ पे जो सबड्यूड हुआ है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्राइस, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पीवीसी का प्राइस काफी तेजी से इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से ये कंपनीज को प्रॉब्लम हुआ, साथ साथ में क्रूड ऑयल का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से, लेकिन अब ये रिड्यूस होगा तो कंपनीज फिर से अच्छा कर पाएंगे, राइट। इसके लिए मार्जिन थोड़ा सा इंपैक्टेड, लेकिन मार्जिन 20% के आसपास लाना भी काफी बेहतर है। उसके बाद इनका अगर हम देखें कि ऑलमोस्ट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स, या इनका कैश प्रॉफिट है 1600 मिलियन रुपीज के आसपास है, जो पिछले साल अराउंड 1539 मिलियन रुपीज के आसपास था, जो कि अराउंड 4% के आसपास सिर्फ ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। और 9 मंथ के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी ने सेल्स काफी बेहतर ग्रो किया, 44% से ग्रो हुआ है। एबिट्टा मार्जिन भी अगर देखें तो कंसिस्टेंट ऑलमोस्ट कहूँ तो सिर्फ कुछ परसेंटेज का फ्लक्चुएशन है ओवरऑल, लेकिन काफी बेहतर है। कैश प्रॉफिट की बात करें तो 37% से जंप हुआ है। तो ये सब चीज आपको नोटिस करना है जब कंपनी का आप एनालिसिस कर रहे हो, तो मतलब कंपनी अपना कॉस्ट इफिशियंसी को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, क्रूड ऑयल की प्राइस की वजह से, या पीवीसी का प्राइस, पीवीसी का जो दाम है सडनली इंक्रीज होने की वजह से प्रॉब्लम हुआ। अभी के टाइम पे कॉपर का भी प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो कॉपर के स्टॉक्स है आप जाकर के देखना, उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम स्टैंड अलोन की बेसिस बात करें, वो कंसोलिडेट पे हमने कंसिडर किया था, तो यहाँ पे एस्ट्रल का सिर्फ पाइप की बात करते हैं, पाइप बिजनेस की किस तरह है, क्योंकि एस्ट्रल का जो बिजनेस है आपका अडेसिव में भी है और साथ साथ में पाइपिंग में भी है, तो पाइप के बिजनेस अराउंड 76% के आसपास जनरेट करते हैं, वहीं पे अडेसिव से 24% के आसपास इनका बिजनेस आता है। सो यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 23% जम हुआ है, यहाँ पे सेम अगेन इट गोज टू कैश प्रॉफिट, यहाँ पे जो कैश प्रॉफिट अराउंड 16% के आसपास इनका, सॉरी कैश प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैश प्रॉफिट है अराउंड 6.86% के आसपास से ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा ग्रो हुआ है कंपनी का। एबिट्टा मार्जिन ऑलमोस्ट 20% के आसपास इनका स्टेबल है यहाँ पे, साथ साथ में ये नजर आ रहा है, साथ साथ में कंपनी का जो अगर हम देखें इंस्टॉल कैपेसिटी अभी के टाइम पे आप देख सकते हो अराउंड 2,63,342 मेट्रिक टन के हिसाब से इन्होंने कैपेसिटी इंस्टॉल करके रखा है, जो पिछले पिछले साल के मुकाबले अराउंड जो भी अभी आई थिंक 20,000 से 23,000 मेट्रिक टन से इंक्रीज हुआ, जो पिछले साल अराउंड 2,40,073 मेट्रिक टन के आसपास था, मतलब कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है बिकॉज मार्केट में डिमांड है सीपीवीसी का, और ये कंपनी प्योरली सीपीवीसी पे ज्यादा
फोकस करता है, ये चीज आपको नोटिस करना। दूसरा, इनका जो एडहेसिव का बिजनेस है जिसमें ये सील ये सब प्रोवाइड करते हैं, एस्ट्रल का मेरा डेप्थ रिसर्च अवेलेबल है चैनल पे, आप जा करके देख सकते हो, जहां पे आप देख सकते हो कि जो इबिट्टा मार्जिन काफी डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। सो यहाँ पे आ जाते हैं ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर, अक्टूबर की बात करें पोस्ट दिवाली, ड्यू टू द एक्सटेंडेड रेन, मतलब जो रेनी सीजन था वो इंक्रीज हुआ, कंस्ट्रक्शन बैन हुआ कोविड की वजह से, साथ साथ में यहाँ पे हाई फ्लक्चुएशन इन पीवीसी प्राइसेस रिजल्टेड डीलर डीस्टॉकिंग। डीलर डीस्टॉकिंग का मतलब क्या होता है कि जो जहां से ये मैन्युफैक्चर करते हैं पाइप, उसके बाद डीलर्स के पास जाता, तो डीलर्स वहां से क्वांटिटी रिड्यूस कर रहे थे रादर देन इनसे लेने की वजह से, और वो लाइट इन्वेंट्री के ऊपर फोकस करे जो एक टाइम के लिए तुरंत बिक सकता है, क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है एस्ट्रल ये ब्रांड के हिसाब से, तो इनका जो कॉस्ट है थोड़ा हाइयर रहता है एज कम्पेयर टू जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर मार्केट में बेचते हैं, तो उसके वजह से कंपनी को ओवरऑल अभी के टाइम पे फर्क पड़ा है, राइट। उसके बाद पीवीसी प्राइस आर ट्राइंग टू सेटल अभी के टाइम पे, मे बी अभी लग रहा है कि मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस अगर रशिया और यूक्रेन का अगर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो मे बी पीवीसी का प्राइस फिर से नीचे आने लगेगा, जो सेटल हो रहा है मे बी। सो डाउन एंड लिफ्टिंग द बैन ऑन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑलरेडी अभी उठा चुके, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं आपका हाईवेज पे ये सब पे, तो उसके वजह से, और जो मॉनसून सीजन भी नजदीक आ रहा है तो उसके हिसाब से अभी टेम्परेरी जो डिमांड आपको पाइप में एग्री में हो या आपका बाकी सेगमेंट में हो, थोड़ा सा टेम्परेरी ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिससे कंपनी का क्वार्टर फोर मे बी लाइटली टू गुड नंबर, लेकिन अभी के टाइम पे अभी भी क्रूड ऑयल प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल इनके बिजनेस को थोड़ा फर्क पड़ सकता है। उसके बाद अगर 9 मंथ स्नैपशॉट अगर हम देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो अराउंड 19% सीएजीआर से इस कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू 9 मंथ्स के हिसाब से अगर हम देखें, वहीं पे इबिट्टा की बात करें तो अराउंड 26% के हिसाब से ग्रो हो रहा है, मतलब आपने जो एवरेज निकाला उसके हिसाब से, और ये कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद एडहेसिव बिजनेस में देखें तो 16% से ग्रोथ है, मतलब इबिट्टा हो या नेट बिजनेस हो, तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, सॉरी जो 9 मंथ ईयर ऑन ईयर बेसिस 41% से जंप हुआ है, और 32% पे आपका इबिट्टा जंप हुआ है, तो ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस यहाँ से डिसेंट है, काफी बेहतर है, राइट। इनका वहीं पे पाइप बिजनेस की बात करें जो मेन और कोर बिजनेस है इनका, 20% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है और 45% से ग्रोथ हुआ इनका पिछले साल के 9 मंथ के मुकाबले अभी से अगर कंपेयर करें, राइट। और साथ साथ में यहाँ पे 37% से इनका एबिट्टा ग्रो हुआ है। इनका पाइप का बिजनेस वॉल्यूम किस तरह से अभी के टाइम पे, तो एक टाइम पे 77,608 मेट्रिक टन के हिसाब से जो पाइप का वॉल्यूम काफी ज्यादा है और सेल्स करते थे, अभी के टाइम पे 10% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है, और अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट ये 1,02,358 मेट्रिक टन के आसपास पहुंच चुका है वॉल्यूम में, मतलब मार्केट में बेच रहे हैं, जो 9% से पिछले साल से हाइयर है। नाउ इस कंपनी के ऊपर हम क्या करते हैं ना, वैल्यूएशन थोड़ा सा कर लेते हैं कि मतलब रिवर्स डीसीएफ लगाते हैं, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया मिलेगा। सो लेट्स गो टू द तिजोरी फाइनेंस के ऊपर, इसके ऊपर मैं काफी डेप्थ वीडियो में भी संडे को लेकर के आऊंगा कि किस तरह से आपको यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मैं एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में ले चलता हूँ आपको, एस्ट्रल लिमिटेड। तो एस्ट्रल लिमिटेड की देखते हैं, फिलहाल यहाँ पे मैं लेकर के आया था फाइनेंशियल्स पे, फाइनेंशियल्स में लेट्स लुक एट कंपनी का, अगर मैं वैल्यूएशंस, ओके फाइन। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस कंपनी का जो ईपीएस का 10 साल का ऑन एन एवरेज जो ग्रोथ है सीएजीआर, अराउंड 28% के आसपास सीएजीआर से ईपीएस अर्निंग प्राइस पर शेयर ग्रो हो रहा है, राइट। तो हम एवरेज कंसिडर कर रहे हैं 5 साल का तो 36% के आसपास, लेकिन हम 28% के आसपास कंसिडर करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इनका 10 साल में अराउंड 29% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है, और अगर 5 साल में देखें तो 24% सीएजीआर के आसपास ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पे हम 24% के आसपास हम फिलहाल कंसिडर करते हैं। साथ साथ में इनका जो अभी के टाइम पे एक चीज और देख लेते हैं कि जो वैल्यूएशन के टर्म में कि फिलहाल कितने पे ट्रेड हो रहा है। सो ईवी बाय एबिट्टा हम देख लेते हैं, ईवी बाय एबिट्टा इनका फिलहाल अभी के टाइम पे अराउंड 48.74 के आसपास आ चुका है, मतलब इनका जो इबिट्टा का जो वैल्यू, मतलब जो शेयर प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल होने की वजह से अभी के टाइम पे ये अच्छे वैल्यूएशन के आसपास आ रहा है, लेकिन हमको इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तब हमको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिलेगा। 5 साल का अगर मैं लगा लूं तो ये एक तरह से स्टेडी दिखा रहा है, तो अभी के टाइम पे अगर ये थोड़ा सा और गिरता है, मतलब अगर ईवी बाय एबिट्टा इज कमिंग अराउंड 40, अभी कितना 46 के आसपास है, अगर 40 के आसपास आ जाता है तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी के बिजनेस के हिसाब से। प्राइस टू सेल्स रेशियो अगर मैं देखू इस कंपनी का लास्ट 1 ईयर का,
इज अराउंड कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग। सो इसके हिसाब से भी कंपनी अभी ईवी जो प्राइस टू सेल्स रेशियो जितना कम होता है कंपनी उतना फेयर प्राइस के आसपास आने की कोशिश करता है। इससे पहले बीच में देखो कितना ज्यादा स्पाइक हुआ था, तो वो उसका जो वैल्यूएशन काफी हायर हो गया था, तो 12 के आसपास आ गया था, मतलब हायर वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गया था। अगर ये 8 के आसपास या 7.5 के आसपास आ जाता तो फेयर प्राइस पे आ जाता है। नाउ लेट्स टेक द रिवर्स डीसीएफ। तो रिवर्स डीसीएफ क्या होता है, बेसिकली जब हम नॉर्मल डीसीएफ मेथड यूज करते हैं जहां पे आप कंपनीज के अर्निंग को फोरकास्ट करते हो डिपेंडेंट ऑन किसी अजम्पशन लेते हो कि कंपनी का कैपेसिटी एक्सपांशन हो रहा है, कंपनी को ऑर्डर बुक मिल रहा है, कंपनी अपना जियोग्राफिकल प्रेजेंस इंक्रीज कर रहे हैं, उनका लास्ट ईयर का 10 साल का इतना ग्रोथ था, उसके हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरह से ग्रो होगा, तो आप कैश फ्लो को फर्दर फोरकास्ट करते हो आने वाले 3-4 साल में, और उसको फिर एक डिस्काउंटेड रेट से आप क्या करते हैं उसको एक टाइम से डिस्काउंट करते हैं कि उसके हिसाब से मतलब कितने ग्रोथ रेट से आप कंसिडर कर रहे हो, राइट। तो आप कुछ कुछ लोग जीडीपी के हिसाब से कंसिडर करते हैं, कुछ कुछ टर्मिनल के हिसाब से कि नहीं इतना ज्यादा नहीं जा सकता, कुछ 4% 5% के आसपास से लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल रिवर्स डीसीएफ ये है कि अगर उस कंपनी से आपको कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्टेड है, अगर मैं इस कंपनी से एस्ट्रल पॉलिटेक्निक से 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो इसका अर्निंग कितने से ग्रो होना चाहिए वो मैटर करता है। सो यहाँ पे अर्निंग पे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप चाहो तो फ्री कैश फ्लो कंसिडर कर सकते हो एक तरह से, जो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, या तो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ले सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी अर्निंग नंबर आपको पसंद आता है वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल जो तिजोरी फाइनेंस के हिसाब से जो वरुण है उनके हिसाब से वो फ्री कैश फ्लो कंसिडर करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे फ्री कैश फ्लो ही कंसिडर करूंगा। सो लेट्स टेक अ फ्री कैश फ्लो ऑफ दिस कंपनी, इट 232 करोड़ के आसपास है, राइट। एक टाइम पे आप देख रहे हो कितना नीचे था, अभी के टाइम पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 232 करोड़ के आसपास हम कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 232 करोड़, 232 करोड़, राइट। और डिस्काउंट रेट मतलब कि एक तरह से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करो इस कंपनी से, कि आने वाले 1 साल में कितना रिटर्न आपको जनरेट करके देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ ये कंपनी कम से कम मुझे 15% रिटर्न जनरेट करके दे ईयरली, तो उसके हिसाब से इस कंपनी को कितने के हिसाब से कैश फ्लो हो या जो अर्निंग्स हो या पी मल्टीपल कितने पे होना चाहिए। तो यहाँ पे पी मल्टीपल अभी के टाइम पे अगर मैं देखूं निकाल करके, तो अगर मैं मार्केट कैप इस कंपनी का अराउंड कितना चल रहा है, 37,000, तो 37,583 डिवाइड बाय 37,583 डिवाइड बाय आपका जो यहाँ पे कितना है फिलहाल के लिए, अगर मैं आ जाऊं जस्ट 232, 232, सो अराउंड 161 के आसपास मल्टीपल पे ये ट्रेड करेगा 10 साल के हिसाब से, क्योंकि ये 10 इयर्स के आसपास दिया है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो अभी के टाइम पे जो पी चल रहा है कितना चल रहा है इस कंपनी का, 72, राइट। तो विल कंसिडर कि आने वाले 10 साल के बाद भी इस कंपनी का पी रेशियो अगर 70 के आसपास ही होता है, लेट्स कंसिडर कि 10 साल के बाद इस कंपनी का पी रेशियो 70 के आसपास ही होगा, तो इस कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ है 24% के आसपास होना चाहिए, मतलब ईपीएस हो या कैश फ्लो हो उस कंपनी का अर्निंग 24% के आसपास होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपको 15% रिटर्न जनरेट करके देने का पोटेंशियल रखता है। सो अभी के टाइम पे अगर मैं आ जाता हूँ, तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया था यहाँ पे कि इस कंपनी का ओवरऑल जो जो ईपीएस ग्रोथ है अराउंड 28% के आसपास है, तो इसका मतलब ये जो कंपनी अभी के टाइम पे ट्रेड कर रहा है एक तरह से फेयर वैल्यूएशन के आसपास आ चुका है, 28 का इनका जो 10 साल का ग्रोथ है, और वहां मैंने 24% इम्प्लाइड ग्रोथ दिखा रहा है अगर आपको 15% रिटर्न जनरेट करना है तो। सो यहाँ से आप कम से कम बेंचमार्क से अगर निफ्टी में डालते हो तो 12 से 14% आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप रिसर्च करके डालते हो आप 15% रिटर्न के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। नाउ लेट्स बैक टू अनदर थिंग, जो नेक्स्ट पाइप है प्रिंस पाइप इंडस्ट्री। सो प्रिंस पाइप का फिलहाल कैसा चल रहा है, लेट्स सी द कंपनी का यहाँ पे जो अर्निंग्स है, यहाँ पे जो अर्निंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस विद रिस्पेक्ट टू लास्ट क्वार्टर अगर देखें तो 21% से जंप हुआ है, साथ साथ में एबिटा मार्जिन अभी के टाइम पे ईच एंड एवरी कंपनी विल हैव द सिमिलर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने की वजह से, मतलब रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, वो इंक्रीज होने की वजह से कंपनीज के एबिटा मार्जिन को काफी फर्क पड़ा है, तो इज एबल टू मेंटेन 16-18% के आसपास, जो कि हमने एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के केस में भी देखा था। उसके बाद जो पार्ट अगर हम देखें मार्जिन अराउंड 10% के आसपास, वही यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिला, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बेहतर ग्रोथ है। सो यहाँ पे अगर मेट्रिक टन की बात करें तो इनका मेट्रिक टन अराउंड 29,617 वॉल्यूम मेट्रिक टन के आसपास था, वहीं पे हमने अगर एस्टेल का देखा रहेगा तो मोर देन आई थिंक 1 लाख मेट्रिक टन के ऊपर उनका जो सेल करने की कैपेसिटी है, और अभी के टाइम पे इनका वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है बाय 36,711 मेट्रिक टन के आसपास था, वो 12%
प्राइसेस डाउन होकर के 32,435 मेट्रिक टन के आसपास आ चुका है, राइट। सो रेवेन्यू ग्रोथ लेड बाय पर्टिकुलर बाय बेटर प्रोडक्ट मिक्स। तो इनका जो अभी के टाइम पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ऑल दो जो वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि इनके पास जो प्रोडक्ट मिक्स है काफी बेहतर है, जहां पे फ्लो गार्ड प्लस स्टोर फिट और भी कुछ प्लानिंग कर रहे, जिसकी वजह से इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट है, प्राइस मिक्सिंग की वजह से कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो प्राइस मिक्स होने की वजह से उनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका एबिटा 8% से ग्रो हुआ है, मार्जिन एट 16.7% डिस्पाइट ऑफ वॉल्यूम डी ग्रोथ। तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइन होने की वजह से भी प्राइस रियलाइजेशन काफी बेहतर है, उसकी वजह से कंपनी का अभी के टाइम पे जो अर्निंग्स, अगर हम इन टर्म्स ऑफ टोटल सेल्स की बात करें, काफी बेहतर है। कंपनी लॉन्ग टर्म डेट फ्री है, जिसकी वजह से कंपनी का जो लेवरेज है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इस कंपनी का नेट रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, विच इज अ रियली गुड साइन फॉर एनी कंपनी जिनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। जो एक टाइम पे 1,247 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी 2,068 करोड़ का रेवेन्यू है, मतलब ऑलमोस्ट 5 साल में इस कंपनी का रेवेन्यू वन ऑलमोस्ट कहूँ तो 80% से इंक्रीज हुआ है। सो आने वाले टाइम में 5 साल में ये कंपनी शायद 4,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से इस कंपनी का प्लानिंग चल रहा है। और इबिट्टा मार्जिन दे हैव ऑलमोस्ट डबल डिजिट में उन्होंने मेंटेन करके रखा है। प्रॉफिट मार्जिन अभी के टाइम पे इनका कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं FY21 और 10% के आसपास आ चुका है, जो एक टाइम पे लोअर साइड में था बिकॉज ऑफ बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। साथ साथ में यहाँ पे नेट एसेट टर्नओवर रेशियो भी काफी बेहतर है, मतलब अपने एसेट का यूटिलाइजेशन काफी बेहतर कर रही है कंपनी। 1 के ऊपर भी होता है तो भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 के ऊपर है, राइट। अब ये कंपनी डेट फ्री है एक तरीके से, तो जो भी इनके पास जो शेयर होल्डर फंड है उसका रिटर्न काफी बेहतर जनरेट करे, जिसके हिसाब से इनका रिटर्न इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेहतर है, राइट। तो यहाँ से साफ साफ नजर आता है कंपनी को अभी के टाइम पे बेनिफिट हुआ है डिस्पाइट ऑफ वॉल्यूम डी ग्रोथ होने के बावजूद, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स काफी बेहतर है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। सो अभी के टाइम पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म में अगर मैं बात करूं तो इनका फिलहाल फोकस है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंक्रीज करना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांड करना और ब्रांडिंग पे काफी ज्यादा फोकस करना, जिससे इनका ग्रोथ हो सके, राइट। इन्होंने एसएनबी स्टोर फिट वाटर टैंक दैट है उन्होंने फ्यू क्वार्टर पहले लॉन्च किया था, तो वहां से भी अभी फिलहाल वो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करे पैन इंडिया, जहां से उनको सेल्स जनरेट होगा तो टॉप लाइन इंक्रीज होगा। साथ साथ में इन्होंने जो लुब्रिजोल से टाइप किया था, जहां से ये प्रिंस फ्लो गार्ड करके प्रोडक्ट है इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया, जिसमें दे आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में इंडिया में तेजी से ग्रोथ होगा। सो ड्रिवन रॉबस्ट ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ एंड इंप्रूव कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेट रेवेन्यू, के एनुअल टाइम में यहां से भी ग्रोथ इनको तेजी से देखने को मिलेगा। साथ साथ में इन्होंने तेलंगाना में एक्सपांशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे 50,000 मेट्रिक टन के हिसाब से, मतलब जो लाना चाहते हैं, उनके कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, उसमें से अराउंड 4,000 मेट्रिक टन के आसपास इन्होंने यूज किया है। सो जो कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में डिलीवर होगा, जिससे इस कंपनी को साउथ एरिया में भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी और मार्केट प्रेजेंस मिलेगा, जिससे इनका सेल्स इंक्रीज होगा, राइट। और मे बी अभी के टाइम पे जो पीवीसी का प्राइस है धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाए, कम होते जाए, जिससे जो डी स्टॉकिंग हो रहा था वो कम हो सकता है। डी स्टॉकिंग फिर इस कंपनी का जो वैल्यू है प्रोडक्ट का वो मार्केट में ज्यादा सेल होगा, और जो रेनफॉल है मल्टीपल पार्ट्स ऑफ थोड़ा सा मतलब रह सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का टेम्परेरी, नॉट दिस कंपनी ओनली बट एंटायर पाइपिंग सेगमेंट का थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। सो करंटली दे आर फोकसिंग टुवर्ड्स अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांशन, एंड साथ साथ में उन्होंने जो इनके वेंडर्स है, जो वेंडर या सॉरी जो डीलर्स, उनके साथ में टाई अप कर रहे हैं, सो दैट ये एनुअल टाइम में ग्रो हो सके B2B वर्टिकल के द्वारा भी। नेक्स्ट आपका आता है फिनोलेक्स इंडस्ट्री। फिनोलेक्स इंडस्ट्री आई थिंक इट्स अ वेरी अभी के टाइम पे इट्स सीम्स टू बी अ वेरी अंडर वैल्यूड स्टॉक, जो मैंने वैल्यूएशन के हिसाब से किया है, जो मैं आई थिंक संडे को काफी डेप्थ में लेकर के जाऊंगा आपको तिजोरी फाइनेंस में, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। सो इनका टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 6% से डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टरली अगर हम चेक करें एबिटा 30% से डाउन हुआ है। सो यहाँ पे पूरा डाउन वन दिख रहा है, ये कंपनी का 60% के आसपास बिजनेस एग्री बेस्ड पाइप से आता है, बाकी जो 40% है, जो रिसेंटली 40% हुआ, जो पहले 30% के आसपास था, जो नॉन एग्री से आता है, वहीं पे 9 मंथ पे देखें ईयर ऑन ईयर तो 38% से जंप है बेटा, 30% से इंक्रीज है। पैट की बात करें तो 30% से ग्रोथ है। सो ईयर टू डेट क्वार्टर 3 स्लाइटली इंपैक्टेड बाय लोअर डिमांड अभी के टाइम पे,
प्रॉफिटेबिलिटी स्लाइटली इंपैक्टेड बाय हाइयर इनपुट कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, वीक डिमांड रिजल्ट इन लोअर वॉल्यूम इन क्वार्टर थ्री, अभी के टाइम पे डी स्टॉकिंग हो रहा था, उसके वजह से भी डिमांड डाउन, उनके वजह से वॉल्यूम डाउन हुआ और कंपनी का सेल्स डिक्लाइन हुआ। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एंड हेल्दी बैलेंस शीट, तो कंपनी के पास बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है और लिक्विडिटी मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी काफी बेहतर है। नॉन एग्री वी हैव 60% टू 60% एंड 40% बाय वैल्यू, मतलब अगर इनका जो नॉन एग्री का जो बिजनेस है, जो ऑलमोस्ट कहो तो जहां से मतलब पाइपिंग है, वी हैव 60 to 40% बाय वैल्यू एंड 65 to 35% बाय वॉल्यूम, मतलब यहां से जो नॉन एग्री का वहां से कितना ही बिजनेस जनरेट कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करें, जो आने वाले टाइम में और इंक्रीज होगा। सो एग्री टर्म्स में अगर बात करें, दे आर 24% से डाउन हुआ है, राइट, एंड साथ साथ में 4% ऑन योर स्लाइटली हायर नॉन एग्री इज फैक्ट स्लाइटली हायर एक्चुअली 4% एंड ईयर ऑन ईयर एग्री इज डाउन बाय 5%। तो यहाँ पे जो नॉन एग्री का जो प्रोडक्ट है वहां पे ग्रोथ देखने को मिला है एज कम्पेयर टू उनका जो एग्री बेस्ड पाइप्स की अगर हम बात करें। तो इनका नियर टर्म में कोई कैपेक्स का ज्यादा प्लान नहीं है, दे हैव क्लियरली, ये सब मैंने कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल को रीड करके एक्सट्रैक्ट किया है, वी डोंट हैव एज नाउ देर इज एनी मेजर रिक्वायरमेंट बिकॉज वी आर एट टू रीच द प्री पेंडेमिक लेवल। नॉन एग्री इज अप 30%। सो जो नॉन एग्री का जो बिजनेस है वो काफी इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लम्बिंग और फिटिंग की बात करो जहाँ पे पाइप से, वहां पे भी कंपनी फिलहाल फोकस कर रही है। सो इनका अगर हम ईयरली अगर हम दिखाई दे, मतलब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, तो एक टाइम पे कंपनी का 2013 में ऑलमोस्ट 2,144 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो अभी के तो मार्च 2021 में देखें तो 3,462 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, और FY22 में ज्यादा रहेगा, हाइयर चांसेस है। कंपनी का एबिट्टा मार्जिन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, 16% से अभी 28% के आसपास एबिट्टा मार्जिन पहुंच चुका है, ये चीज भी आपको नोटिस करना है। पैट मार्जिन आप देख सकते हैं एक टाइम पे सिंगल डिजिट में था, अब ये कंपनी पैट मार्जिन डबल डिजिट में जनरेट कर पा रही है, तो ये सारा फैक्टर आपको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका अपोलो ट्यूब्स, और जो रिवर्स डीसीएफ है वो सारी कंपनीज पे आप लगा करके चेक कर सकते हो, ट्रस्ट में काफी अच्छा ज्यादा आपको हेल्प करेगा और आपको मालूम पड़ेगा किसका वैल्यूएशन ज्यादा है किसका वैल्यूएशन कम है, राइट। सो यहाँ पे मैं सारी कंपनीज पे नहीं लिया, मैंने सिर्फ अपोलो इस पे लिया। आपको वैल्यूएशन के टर्म में बताऊं तो आपको जब फिनोलेक्स इंडस्ट्री करोगे तो आपको काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे दिखाई देगा, राइट, और एस्ट्रल थोड़ा सा एक्सपेंसिव फिलहाल दिखाई देगा, तो वो जो वैल्यूज पैरामीटर है वो आपको डिसाइड करना है। प्रिंस पाइप का ज्यादा जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है तो उसका ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसके ऊपर एक तरफ फोकास्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वी हैव टू सी क्यू आने टाइम में कैसा डिलीवर करता है, अगर वो रेवेन्यू डबल होता है कि नहीं 5 साल में, राइट। तो जब तक आपको और कंपनीज पे फोकस करना है। सो यहाँ पे अगर मैं अभी अपोलो पाइप सिस्टम की बात करूं, जो काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इनका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलमोस्ट 49% अप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 49% इनका जो अप हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि इनका ही प्रोडक्ट मिक्स काफी बेहतर है, दे आर नॉट ओनली इनटू जो पाइपिंग में भी, लेकिन प्योर इनका सीपीवीसी में काफी ज्यादा फोकस करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर में भी ये अवेलेबल है, मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका। उसके बाद इनका जो पैट है इज अराउंड 30% से डाउन, अगेन द सेम गोज बिकॉज ऑफ इबिट्टा, यहाँ पे आप इबिट्टा देख सकते हो 15% से डाउन हुआ, उसके बाद सारा का सारा चीज डिक्लाइन होता हुआ ही नजर आपको आएगा, राइट। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का फिलहाल के टाइम पे पार्ट मार्जिन अराउंड 173 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है, वहीं पे ओवरऑल जो इनका जो ईपीएस है वो 23% से ग्रोथ हुआ है, राइट। सो ये सब चीज आपको फैक्टर नोटिस करना रहता है जब कंपनी को आप एनालिसिस करते हो। तो फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें, वॉल्यूम पर टर्न अराउंड 37,440 मिलियन टन के आसपास है, मेट्रिक टन के आसपास, जो इनका 5 साल में 12% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है, राइट। आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे एस्ट्रल का सबसे ज्यादा कैपेसिटी है वॉल्यूम टन का, मतलब सेल करने का, इसके लिए दे आर एक तरह से लीडर है, लीडर मतलब इन टर्म्स ऑफ जो उनके सेल्स ज्यादा हो रहे हैं, वो एक रीजन है। और यहाँ पे रेवेन्यू अगर हम देखें तो इट्स ग्रोइंग एट अ 20% सीएजीआर, विच इज अ वेरी गुड नंबर फॉर एनी कंपनी। साथ साथ में अगर हम इबिट्टा मार्जिन देखें, दे हैव बीन लाइक वेरी अप्स एंड डाउन, आप देख सकते हो काफी मतलब अप एंड डाउन हो रहा है एज कम्पेयर टू जो दूसरी कंपनीज में हमने देखा, उसमें कंसिस्टेंसी नजर आया, तो इनका इबिट्टा मार्जिन ऑल्सो वेरी लाइक 12% मतलब 10% के आसपास ऑन एन एवरेज आप कंसिडर कर सकते हो। सो इनका जो आगे का प्लानिंग है, एक्सपांशन ऑफ वर्क पोर्टफोलियो, इंप्रूविंग न्यू ज्योग्राफीज में इंक्रीज करना है, एडिशन ऑफ न्यू ब्राउनफील्ड कैपेसिटी, असिस्टेड वॉल्यूम ग्रोथ, तो इनका जो जो इनका जो जो प्लांट अवेलेबल है वहां पे ब्राउनफील्ड एक्सपांशन करें, मतलब उसको इंक्रीज करें कैपेसिटी,
और जो कि फ्यू क्वार्टर्स में हो जाएगा, जो कि मैंने एक कॉन कॉल से लिया है। वी एंटिसिपेट द सेल परफॉर्मेंस ट्रेंड टू स्ट्रेंथन लेड बाय इंप्रूविंग डिमांड एनवायरमेंट, एक्सपांशन एड्रेसेबल मार्केट एंड सस्टेन अपस्टिक इन यूटिलाइजेशन लेवल। सो इनका जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी वो इंक्रीज होने वाला है, ब्राउन फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है। सो ये जो सारी कंपनीज का शॉर्ट टर्म आउटलुक काफी बेहतर नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म मतलब कम से कम 1-1.5 साल की अगर हम बात करें, मिड टर्म में आई थिंक फिनोलेक्स इंडस्ट्री विल डू बेटर और आपका प्रिंस पाइप अच्छा करेगा, क्योंकि एस्ट्रल ऑलरेडी एक तरह से काफी मार्केट में एक तरह से जायंट हो चुका है। एंड लॉन्ग टर्म में ऑल फोर दिस फोर कंपनी और एक कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्री, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ चार ही कंपनीज को फिलहाल कंसिडर किया है। सो ऑल फोर दिस कंपनीज आर बेटर। इफ आई लुक फॉर, अगर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, एस्ट्रल इज अ वेरी गुड कंपनी। एंड सेकेंड पे यू कैन कंसिडर फिनोलेक्स, मेरे ख्याल से 2-3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, काफी नीचे के टाइम पे आया है, लेकिन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, प्लीज नोट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना व्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कंपनीज का बिजनेस कैसा रहा, राइट? सो ऑल दिस कंपनी सीम्स टू बी अ डिसेंट फॉर मी। सो आप अगर होल्ड कर रहे हो तो ये कंपनीज में कोई रिस्क ज्यादा नहीं है, हायर रिस्क नहीं है, बट दे विल हैव अ टेम्पररी डिमांड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आने वाले 3-4 साल के बाद ये डिमांड रहेगा कि नहीं, दैट इज वेरी दैट वी हैव टू सी। ओके, सो थैंक यू सो मच, विल कनेक्ट ऑन संडे।